चलिए तो वापस एक बार शुरू करते हैं वर्क एनर्जी और पावर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक और पार्ट, और यहां पे शुरू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6.17। लेट्स से व्हाट इज दिस 6.70 इज द बॉब ऑफ ए ऑफ अ पेंडुलम रिलीज फ्रॉम 30 डिग्री टू द वर्टिकल हिट्स अनदर बॉब बी ऑफ द सेम मास एट रेस्ट ऑन द टेबल एज शोन इन फिगर। How high does the bob A rise after the collision? Collision के बाद bob A कितना ऊपर जाएगा आपको बताना है। Neglect the size of the bobs and assume the collision to be elastic. Assume the collision to be elastic. So अगर आपको याद हो elastic collision में क्या conserve होता है? Kinetic energy, right? And when the objects are having same mass, तो टक्कर के बाद क्या हो जाएगा? उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। राइट नाउ दिस वन इज स्टेशनरी, जैसे इसको छोड़ोगे इनकी इसकी स्पीड बढ़ेगी। सपोज यहां पे टकराते वक्त इसका स्पीड कितना है? v है। यहां पे टकराते वक्त सपोज इसका स्पीड कितना है? v है, राइट। तो टक्कर के बाद क्या होगा? टक्कर के बाद ए बॉल अपनी जगह पर रुक जाएगा और जो बी बॉल है वो इसी वी वेलोसिटी से आगे जाएगा। बट यू हैव टू प्रूव इट। So we write here for elastic collision. We know the formula of final velocity v1 and v2. You know the formula? v1 क्या होता है बेटा? यहां पे हम ऐसा लिखते हैं u1, यहां पे हम लिखते हैं u2। आपने ये डिराइव किया था अगर याद हो तो। नीचे क्या आता है बेटा? m1 प्लस m2। और यहां पे v1 है तो ऊपर क्या आएगा बोलो? ऊपर क्या आएगा? M1 माइनस M2। आर यू श्योर? क्या आएगा ऊपर? 2M1 आएगा कि M1 माइनस M2 आएगा? क्या आएगा ऊपर? क्या है ऊपर? V1 कितना है? V1 इलास्टिक कोलिशन V1। ऊपर क्या आएगा? 2M1। श्योर? लेट्स से 2M1। आप कह रहे हो तो मान लिया 2M1। ठीक है, एक बार चेक कर लेना थियरी में। और यहां पे क्या आएगा? M1 माइनस M2 के M2 माइनस M1 चेक करो। अब मैं डिराइव किया है सब कुछ, ये पूरा तुमने डेरिवेशन लिखा है। V2 में क्या आएगा ऊपर, है ना? या V1 में क्या आएगा? यहां पे M1 माइनस M2। और V2 में क्या आएगा बेटा? 2 M1 के M2। आर यू श्योर? सर तुमको एग्जाम नहीं देना है ट्यूसडे को इसका। तो ये इलास्टिक कोलिशन में टक्कर के बाद के वेलोसिटी का फॉर्मूला, राइट? अभी लेट्स से क्या बिफोर कोलिशन सेकंड ऑब्जेक्ट स्टेडी था, मतलब U2 कितना था? 0। ये स्टेडी था ना, तो U2 कितना था? 0 था। ओके, टक्कर के पहले U2 कितना था बेटा? 0 था। ओके, so let's find the values here. Therefore after collision your v1 would be equal to, दोनों का मास सेम है, राइट? सो m1 की जगह भी m2 की जगह भी m, नीचे हो जाएगा m plus m into v। कितना स्पीड है इनिशियल? लेट्स से u1, ये पहले ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना हो गया? m minus m कितना हो जाएगा? 0। मतलब टक्कर के बाद पहला ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? स्टेशनरी। दूसरा ऑब्जेक्ट का स्पीड फाइंड करते हैं टक्कर के बाद, तो v2 इक्वल टू 2m डिवाइड बाय m प्लस m, क्योंकि दोनों का स्पीड कैसा है? सेम है। सो इट इज 2m डिवाइड बाय m प्लस m इनटू u1। सॉल्व करेंगे 2m बाय 2m कट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? u1। इसका मतलब टक्कर के बाद जो u1 था वो किसको मिल जाएगा? सेकंड ऑब्जेक्ट को। और v1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब टक्कर के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? स्टेशनरी हो गया। ये कब होता है? जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम मास के और उनका कोलिशन कैसा हो? इलास्टिक। तो सेम मास के ऑब्जेक्ट जब इलास्टिक कोलिशन करेंगे तो अपनी वेलोसिटी क्या कर लेंगे? इंटरचेंज कर लेंगे। तो इस केस में क्या होगा? ये स्टेशनरी है और ये मोशन में है, तो टक्कर के बाद ये वाला स्टेशनरी हो जाएगा और ये वाला उतने ही स्पीड से आगे बढ़ जाएगा। ओके, सो वी राइट योर आफ्टर कोलिशन स्फीयर ए बिकम
स्टेशनरी स्फीयर ए बिकम स्टेशनरी एंड बी मूव्स विथ वेलोसिटी ऑफ ए बी मूव्स विथ वेलोसिटी ऑफ ए कैन अंडरस्टैंड दिस. तो खाली आपको इलास्टिक कोलिशन में आफ्टर कोलिशन के फॉर्मूला लिखना है और इसमें m1 m2 सेम रख देना आपको. तो अपने आप ये v1 कितना हो जाएगा जीरो और ये v2 कितना हो जाएगा u1. मतलब दोनों ने क्या करी अपनी अपनी वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लिया. तो ये बिल्कुल भी ऊपर जाने वाला नहीं है क्योंकि टक्कर के बाद ये इधर ही रुक जाएगा. इसकी सारी स्पीड इसको मिल जाएगी. तो टक्कर के बाद ये बिल्कुल भी हाइट पे जाने वाला नहीं है. देयरफॉर वी कैन राइट हियर दैट बॉल ए विल नॉट राइज एट ऑल will not rise at all after collision. Collision के बाद ball भी बिल्कुल भी rise होने वाला नहीं है. वो उधर ही रुक जाएगा और A आगे बढ़ जाएगा. Understood the question everyone? Yes. Right? चलो अगला सवाल देखते हैं. The bob of pendulum is released from the horizontal position. So बेटा एक bob को ना horizontal position से छोड़ना है आपको. If the length of the pendulum is 1.5 meter, what is the speed with which the bob arrives at the lowermost position? यहां से छोड़ोगे तो इधर आएगा. आपको यही पूछा इधर उसका स्पीड क्या होगा बताइए. राइट ओके. गिवन दैट इट डिसिपेट 5% ऑफ इनिशियल एनर्जी अदर इज इंपॉर्टेंट. 5% एनर्जी लॉस हो गया है तो बताइए यहां कौन सा एनर्जी होगा. पोटेंशियल क्योंकि हाइट पे कितना हाइट होगा बेटा 1.5 meter. तो यहां कौन सा एनर्जी होगा पोटेंशियल. जैसे ही छोड़ोगे इसमें कन्वर्ट होगा वो काइनेटिक. यहां पे खाली कौन सा एनर्जी होगा काइनेटिक. बट काइनेटिक कितना होगा 95% ही बचेगा 5% लॉस हो जा रहा है. हम जनरली क्या करते हैं इधर जो पोटेंशियल है वो इधर काइनेटिक में कन्वर्ट करते हैं. बट इस क्वेश्चन में ऐसा दिया है 5% एनर्जी लॉस हो रहा है तो कितना परसेंट एनर्जी बचेगा 95% ही बचेगा जो किसमें कन्वर्ट होगा काइनेटिक में कन्वर्ट होगा. So we can write here, let me call it point A and this point B. So we write here at point A, total energy is mgh, total energy let's write ua, or you can write ea, total energy likhte ea, ea kitna hoga beta mgh, right, on releasing the bob, potential energy gets converted to kinetic energy and some part will also loss. How much part is losing? 5%. इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा. We can write here at point B. कितना एनर्जी बचेगा बेटा. तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 5% लॉस हो चुका है तो बचा कितना होगा 95% ऑफ टोटल एनर्जी एट ए 95% ऑफ टोटल एनर्जी एट ए. चलो यहां पे एनर्जी किस फॉर्म में काइनेटिक तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम. हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 95% का मतलब क्या होता है बेटा 95/100. और ए पे एनर्जी कौन से फॉर्म में होगी हाइट मतलब पोटेंशियल क्या होगा बेटा mgh. mm कर देंगे कैंसल सॉल्व करेंगे इसको v स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 0.95 इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट कितना है 1.5 और 2 कहां आ जाएगा ऊपर इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है 20.93 that is v square take under root 5.28 meter per second. बोलो आई बात समझ में बेटा आपको. तो जो 5% लॉस हुआ है वो कहां पे आपको कंसीडर करना है यहां पे. राइट इधर जो एनर्जी है mgh उसका 95% एनर्जी ही यहां पहुंचेगा बाकी 5% रास्ते में उड़ गया. राइट तो यहां पे 95% mgh किसमें कन्वर्ट हुआ है काइनेटिक में दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर. कैन यू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन. Can you understand the logic of this question, everyone? Yes, sir. Next question. चलो क्या कहा है देखो. A trolley of mass 300 kg carrying a sandbag of 25 kg is moving uniformly
विद अ स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर ऑन अ फ्रिक्शन लेस ट्रैक. आफ्टर अ वाइल सैंड स्टार्ट लीकिंग आउट ऑफ अ होल ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रॉली एट द रेट ऑफ 0.05 केजी पर सेकंड. राइट, ट्रॉली में से वो सैंड गिरने लगे नीचे. What is the speed of trolley after the entire sand bag is empty? पूरा सैंड बैग खाली हो जाएगा तो वो ट्रॉली का स्पीड क्या होगा आपको बताना है. सो वॉट डू वी हैव, वी हैव अ ट्रॉली, राइट, और ट्रॉली के ऊपर एक बड़ा सा सैंड बैग है, लेट्स सी, राइट, इसमें से सैंड लीक हो रहा है. कितने, कितना रेट है सैंड के लीक होने का? 0.05 केजी पर सेकंड. 0.05 केजी हर सेकंड में लीक हो रहा है, हर सेकंड में इतना इतना सैंड नीचे गिर रहा है. ठीक है, चलो, और कहां गिर रहा है वो? ट्रॉली के ऊपर ही गिर रहा है. मैंने वो जमीन पे गिरा दिया. कहां गिर रहा है देखो, ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रॉली ओनली, मतलब यहीं पे गिर रहा है सैंड, यहां से गिर रहा है, राइट. योर क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ ट्रॉली आफ्टर द एंटायर बैग इज एम्प्टी. ट्रॉली का खुद का मास है 25 केजी और ट्रॉली पहले कितने स्पीड से जा रहा है? 27 किलोमीटर पर आवर. जब पूरा का पूरा सैंड बैग खाली हो जाएगा तो ट्रॉली का स्पीड कितना होगा? व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू से? सिंपल सा क्वेश्चन है, सैंड कहां गिर रही है? ट्रॉली के ऊपर ही. विल देयर बी एनी चेंज ऑफ द टोटल मास ऑफ सिस्टम? नो, क्योंकि सैंड नीचे नहीं गिर रही है, सैंड कहां गिर रही है? ट्रॉली पे. अगर सैंड नीचे गिरती तो सिस्टम का मास कम हो जाता तो क्वेश्चन अलग होता आपका. यहां पे सैंड कहां गिर रहा है? ट्रॉली पे, मतलब टोटल मास तो सेम ही रहना है. और यहां पे ट्रॉली और बैग के सिवाय तीसरा कोई नहीं है, ट्रॉली और बैग के सिवाय तीसरा कोई नहीं है बाहर से फोर्स देने वाला, तो एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है. अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो क्या चेंज नहीं होगा? मोमेंटम. अगर एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लग रहा है तो इस सिस्टम का, इसके कौन डीवीएस, डीवीएस तो आया ही नहीं है, एक मिनट आया मैं बाहर, देखो कैसा हुआ. सो ट्रॉली वहां से 300 केजी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे आंसर में. और बैग का मास है 25 केजी. तो हम ऐसा कह रहे थे कि यहां पे सैंड ट्रॉली के अंदर ही गिर रही है और बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है. बाहर से अगर फोर्स नहीं लगता तो टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होता है. यहां पे सिस्टम का टोटल मास भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि टोटल मास कैसे चेंज होगा? रेती तो कहां गिर रही है? ट्रॉली के ऊपर ही गिर रही है. तो टोटल मास सिस्टम का चेंज नहीं हो रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम भी चेंज नहीं हो रहा है. तो ना मोमेंटम चेंज हो रहा है ना मास चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी कहां से चेंज होगी? वेलोसिटी भी चेंज होने वाली नहीं है. सो वी राइट हियर एज सैंड इज फॉलिंग ऑन अ ट्रॉली, hence there is no change, hence there is no change in total mass of a system, no change in total mass of system, right? No external force is acting, no external force is acting, therefore total momentum is also constant. Total momentum is also constant, right? So we can write here, hence speed of trolley remain same, speed of trolley remains same, which is 27 kilometer per hour. That's the answer. सेम ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है. चलो बेटा अगला सवाल. बॉडी ऑफ मास 0.5 केजी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अलग कलर से सॉल्व करेंगे. बॉडी ऑफ मास 0.5 केजी ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद दिस वेलोसिटी. अभी कुछ नया ही दिख रहा है बेटा. वेलोसिटी कितना दिख रहा है आपको? ए इंटू एक्स रेस टू 3/2. उसमें ए का वैल्यू आपको दे दिया 5, x raised to 3/2. What is the work done by the net force during its displacement from 0 to 2? कहां से कहां जा रहा है ऑब्जेक्ट? 0 से 2 जा रहा है.
चलो क्या मैंने ओके कहां से कहां जा रहा है, जीरो से टू जा रहा है. सो यू वुड लाइक टू फाइंड द वर्क डन, वर्क डन व्हाइल बॉडी मूव्स फ्रॉम, बॉडी मूव्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू टू. बेटा कोई कह सकता है कौन सा फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे? एक फॉर्मूला वेलोसिटी का है, वर्क डन पूछा गया है, क्या करें? इट्स नॉट एन एक्सेलरेशन, इट्स अ कांस्टेंट ए, इट्स अ कांस्टेंट ए. इसका वैल्यू दे दिया है 5 और एक्स क्या है, पोजीशन है जिसका पावर 3/2 है. यस वी कैन यूज, यस एग्जैक्टली, वर्क डन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. कौन सा थियरम? वर्क एनर्जी थियरम. वर्क एनर्जी थियरम क्या कहता है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो व्हाट वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट हियर फ्रॉम फ्रॉम वर्क एनर्जी थियरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थियरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल. फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे बेटा? हाफ इंटू एम इंटू वी फाइनल स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वी इनिशियल स्क्वायर. हाफ इंटू एम कॉमन निकाल लेंगे, वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर. अब आपको ना बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया और मास कितना है? 0.5. ओके ये रहा वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये वाला. फाइनल पोजिशन क्या है बेटा? 2 मीटर. वैसे मैं एक्स की जगह क्या डाल दूंगा? 2. इनिशियल पोजिशन क्या है? 0 मीटर. तो मैं एक्स जगह यहां पे क्या डाल दूंगा? 0. फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला तो है तुम्हारे पास. फाइनल मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है? 2 पे है तो एक्स इक्वल टू 2 डाल दो. इनिशियल मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर था? 0 पे, तो यहां 0 डाल दो. सो क्या लिखेंगे यहां पे? फाइनल वेलोसिटी हम लिखेंगे बेटा 5 × एक्स फाइनल रेस टू 3/2 एंड 5 × एक्स इनिशियल रेस टू 3/2. अंडरस्टूड? फॉर्मूला ही रखा है वेलोसिटी का. चलो अब पोजिशन डाल दो यहां पे. सो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू 0.5 इंटू 5 कॉमन निकाल लो, ऐसे ये तो 0 ही हो जाएगा. ओके चलो x फाइनल कितना है बेटा? x फाइनल है आपका 2, रेस टू कितना करना है? 2/3. x इनिशियल कितना है? 0, रेस टू 3/2. कहां से कहां जाना है बेटा आपको? 0 से 2, तो पहले 2 रखेंगे फिर 0 रखेंगे. चलिए आंसर क्या आएगा? ये 0.25, ये हो जाएगा 5 × व्हाट विल इट बी? 2³, 8 का अंडर रूट 2√2. 8 का अंडर रूट कितना होगा? 2√2. और ये क्या हो जाएगा? 0. ये तो 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दो. योर आंसर इज 1.25, 2√2, 1.41 का डबल करो 2.82. अब मल्टीप्लाई करो कितना आंसर आ रहा है? 3.525. 5. तो दिस इज ए वर्क डन. तो बेटा फॉर्मूला कौन सा यूज किया हमने? वर्क एनर्जी थ्योरम. क्या कहता है थ्योरम? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल. और उसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको दे दिया है, तो आपको खाली यहां पे एक्स के वैल्यू डालने हैं और कुछ करना नहीं है. हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाँ चलो बेटा अगला सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या ही बताऊं मैं तुमको कितना इंपॉर्टेंट है ये. 2 पेज है ना हमारे पास. यस द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल स्वीप आउट अ सर्कल ऑफ एरिया ए. बेटा विंड मिल है ये, आपका विंड मिल है एंड इट स्वीप्स आउट अ सर्कल ऑफ एरिया ए. ए एरिया का सर्कल काट रहा है, ठीक है. इफ द विंड फ्लोज एट अ वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर टू द सर्कल. यहां से विंड आई, कितने वेलोसिटी से आई विंड बेटा? वी. व्हाट इज द मास ऑफ द एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम टी. टी टाइम में कितना एयर पास हो जाएगा आपको बताना है, ठीक है. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर? इट विल बी हाफ एम बी स्क्वायर. अज्यूम दैट द विंडमिल कन्वर्ट 25% ऑफ द विंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. विंडमिल क्या करेगा? घूमेगा. साथ में क्या जुड़ा होगा? जनरेटर. वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी. कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है? खाली 25%. कहाँ गया? 25%, राइट.
सबको ये भी बताना है कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा। सिंपल क्वेश्चन है, एरिया इज गिवन 30 मीटर प्लस 30 मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 36 इंटू 5/18 10 मीटर पर सेकंड, एंड द डेंसिटी ऑफ एयर इज गिवन रो इक्वल टू 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर, बहुत सवाल पूछा है। तो सबसे पहले ये फाइन कर लेते हैं कितना मास पास होगा इन टाइम टी, टी टाइम में कितना मास पास होगा ये फाइन करते हैं, राइट। पहला आंसर, चलो मास ऑफ एयर पासिंग इन टाइम टी, सो बेटा व्हाट इज मास, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ। व्हाट इज वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ, राइट। यू कैन अज्यूम लाइक दिस दैट विद इन टी टाइम इतने पार्ट में जितना भी एयर होगा ना वो सारा का सारा एयर इसमें से पास हो जाएगा, यस और नो। सपोज ये लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, आपने कितना टाइम दिया, टी टाइम दिया है, और ये एयर की वेलोसिटी कितनी है, वी। तो लेंथ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। लेंथ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। सो आप लेंथ की जगह क्या लिखोगे यहाँ पे, रो इनटू ए। लेंथ की जगह क्या रखेंगे हम, वेलोसिटी इनटू टाइम। सो वी राइट हियर इन टाइम टी एयर इन कॉलम ऑफ लेंथ, एयर इन कॉलम ऑफ लेंथ वी इंटू टी विल पास फ्रॉम द विंडमिल, विल पास फ्रॉम द, विल पास फ्रॉम द विंडमिल। सो हमें लेंथ की जगह क्या डाल दिया, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ये हो गया आपका मास। अब आपको टाइम भी दिया है क्या इस क्वेश्चन में, कहीं पे नहीं दिया है ना, टाइम नहीं दिया है हमें, सो विल कीप इट एज इट इज। सो ये हमारा मास का फॉर्मूला आ गया बेटा, रो ए वी इंटू टी, ठीक है। और आंसर, कुछ आंसर दिया है क्या इसमें, चेक करो कुछ आंसर दिया है इसके अंदर के, खाली ऐसे ही दिया है, ऐसे ही दिया होगा बिकॉज टाइम नहीं दिया ना, हाँ बट टाइम नहीं दिया है ना, इन टाइम टी पूछा है खाली, वो टाइम कितना है वो थोड़ी पूछा है, वो नहीं कहा है इस क्वेश्चन में। सो आपका आंसर खाली रो ए वी टी बनेगा, लेट मी चेक इट। कौन सा है क्वेश्चन नंबर, ये देयर इज ओनली रो ए वी टी, रो ए वी टी, क्योंकि टाइम नहीं दिया, अगर टाइम दिया होता तो मैं यहां रख देता और आंसर पूरा लाता, क्योंकि यहां पे डेंसिटी भी है, एरिया भी है, वेलोसिटी है, बट टाइम नहीं है, तो खाली आपको फॉर्मूला पूछा है कि कितना मास जाएगा टी टाइम में बताओ। टाइम का वैल्यू दिया होता तो रखते, बट नहीं दिया। चलो सेकंड क्या फाइंड करना बेटा, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर, कितना दिया है, शांति रख। कुछ जो पहले इसको खत्म करो, चलो सही है सब कुछ, शायद कुछ कैलकुलेशन में लास्ट मिस्टेक हो सकता है, ओके चलो यहाँ पे जान दो। सेकंड क्या फाइंड करना बेटा आपको, काइनेटिक एनर्जी, चलो काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड बेटा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। देखो मास आपने अभी फाइंड करा, ये रहा, क्या रखेंगे, रो ए वी टी इंटू वी स्क्वायर, सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू रो ए वी क्यूब इंटू टी, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, क्या हो गया ये काइनेटिक एनर्जी। तीसरा क्या फाइंड करना बेटा, तीसरा फाइंड करना है आपको, अज्यूम दैट द विंडमिल कन्वर्ट ओनली 25% ऑफ विंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस। चलो तो पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना है विंड एनर्जी का, खाली 25% थर्ड पार्ट,
तो हम यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना बना है बेटा खाली 25% ऑफ विंड एनर्जी. व्हाट डू यू मीन बाय 25%? 25/100 और इस विंड एनर्जी हाफ इंटू रो इंटू ए इंटू वी क्यूब इंटू टी. डू वी हैव इट समवेयर? यार एनर्जी ऑफ विंड डाल दिया यहां पे. चलिए ये आपका आ गया एनर्जी, कितना आ जाएगा ये 1/4 हो जाएगा. दिस विल बिकम 1/8, ये 4 से कट हो जाएगा, 1/8 रो ए वी क्यूब टी, राइट. दिस इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी. आपको पूछा है व्हाट इज द पावर, पावर क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम. दिस इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, आपको पूछा है बेटा इलेक्ट्रिक पावर. सो पावर हो जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम. इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने लाया है हाफ 1/8 रो ए वी क्यूब इंटू टी डिवाइड बाय टाइम कट. अब आप यहां पे आंसर ला सकते हो. डेंसिटी कितना था? 1.29. 1.2 डेंसिटी इज 1.2, एरिया इज 30, स्पीड कितना था? 10. क्या होगा उसका क्यूब? ऑल योर आंसर 0.6 × 30 × 1000. कितना हो जाएगा ये? 18,000 वॉट, और यू कैन राइट 18 किलोवाट. तो पावर इज इक्वल टू 18 किलोवाट. तो बेटा यहां पे ना आपको ऐसा शॉर्टकट इसको याद रखना है. सुनो बेटा, इसको हम ऐसा शॉर्टकट याद रखेंगे, प्लीज सबका ध्यान यहां पे. फॉर फ्लोइंग फ्लूइड, फॉर फ्लोइंग फ्लूइड, ये फ्लूइड एयर भी हो सकता है, ये फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है. द फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स एक्सर्टेड इज रो ए वी स्क्वायर. फोर्स कितना एक्सर्ट करता है वो? रो ए वी स्क्वायर. ये आपने लास्ट चैप्टर में डिराइव किया था, लास्ट चैप्टर में आपने डिराइव किया था. पानी के पाइप में से पानी बाहर आ रहा था तो कितना फोर्स लगाएगा, आपने लास्ट चैप्टर में कहा था. प्रभु आज हमसे बहुत गलतियां करवा रहे हो आप, क्या इरादा है आपका? चलो बेटा कितना आ जाएगा बताओ? 1/8 क्या होता है? 0.125. चलो ए, तो फ्लोइंग फ्लूइड फोर्स कितना एक्सर्ट करता है? रो ए वी स्क्वायर. फ्लोइंग फ्लूइड का एनर्जी कितना होता है बेटा? उसका एनर्जी होता है हाफ इंटू रो ए वी क्यूब इंटू टी, ये उसका एनर्जी होता है फ्लोइंग फ्लूइड का. और फ्लोइंग फ्लूइड का पावर क्या होता है बेटा? पावर होता है एफिशिएंसी इंटू हाफ इंटू रो ए वी क्यूब, ये होता है उसका पावर. ये आपको एक मार्क में बहुत काम आ सकता है एमसीक्यू सॉल्व करने में. विंड मिल का क्वेश्चन हो या टर्बाइन का क्वेश्चन हो या पानी के पाइप का क्वेश्चन हो, सब में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, राइट. ये फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर. फोर्स क्या होगा? रो ए वी स्क्वायर. एनर्जी क्या होगा? हाफ इंटू रो ए वी क्यूब टी. और पावर क्या होगा? पावर हो जाएगा टी से डिवाइड किया तो पावर विल बी हाफ इंटू रो ए वी क्यूब, बट साथ में एफिशिएंसी दिया हो तो एफिशिएंसी पहले मल्टीप्लाई करेंगे. सो पावर इज एफिशिएंसी इंटू हाफ इंटू रो ए वी क्यूब, राइट. तो आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हो. चलो अब इसमें आगे वाले में आपने क्या गलती करी है? आपने मतलब मैंने. चलो किधर गया? मल्टीप्लाई करो ना, कहां आंसर आ रहा है? ये 0.25 × 5, 2³ 8, 8 का अंडर रूट 2√2 ही होता है, मल्टीप्लाई करो कितना आंसर आ रहा है. बेटा यही आंसर है, यही आंसर है इसका, डोंट वरी, यही आंसर है इसका. ये आंसर नहीं है. कैसी कैसी गलती कर रहे हो तुम लोग आज है? ऐसी गलती करने की? इधर आओ, कुछ आता नहीं है. वेलोसिटी का क्या करना है? स्क्वायर करना है. इधर अपने स्क्वायर करना भूल गए थे. सब सही था, लॉजिकली सब सही था. वेलोसिटी का स्क्वायर करना था जो हम भूल गए थे, राइट. स्क्वायर करना, अटेंशन प्लीज.
तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इस वेलोसिटी का स्क्वायर होगा, इसका भी क्या होगा स्क्वायर है तो जीरो हो जाएगा, उसको छोड़ दो। अब क्या होगा देखो, तो इसका फाइव ये पूरे का क्या होगा स्क्वायर होगा। कोई नहीं, गलतियां करोगे तो ही तो सीखोगे। चलो फाइव स्क्वायर 25, ये 0.25 है यहाँ पे बेटा, ये कितना हो जाएगा 8, कितना आंसर आएगा आपका 50 जूल। तो गलत कुछ नहीं था इसमें, खाली हमने यहाँ पे वेलोसिटी के फॉर्मूला को यहाँ पे लिखा भी है स्क्वायर, यहाँ पे हमने खाली फॉर्मूला चिपका दिया, स्क्वायर करना रह गया। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट लिफ्ट 10 kg मास डंबल 1000 टाइम। एक हजार डंबल टू द हाइट ऑफ 0.5 meter ईच, टू द हाइट ऑफ 0.5 meter ईच। देखो हर लड़के को ना लाइफ में एक बार तो ऐसा ही होता है कि जिम जाना है, होता है ना। तो भाई देखो, सबसे पहले ये फीलिंग आती है 10th के वैकेशन में कि बॉडी बना लेते हैं सिक्स पैक विक्स पैक, फिर जाते भी है ठीक है। फिर दूसरी बार ये फीलिंग आती है जब ठुकरा के मेरा प्यार, दूसरी बार ये फीलिंग, और ये सारी ऐसी चीजें हैं। और भाई ये जिम में ऐसी चीजें है ना, जो अगर आपको इंटरनली ऐसा होगा ना कि मुझे फिट रहना है, तो ही वो चीज हो पाएगी। बाकी कुछ आपको इवेंट अगर कुछ आपको मोटिवेट करेगी ना, कोई इवेंट अगर आपको लग गया जिम जाना है, तो वो 3-4-5-6 दिन 10-12 दिन आप जाओगे, उसके बाद 1-2 छुट्टी होती है ना जिम में, फिर जिम में कभी जा ही नहीं पाते, होता है ऐसा। चलो ओके, a person trying to lose weight lifts a 10 kg of mass 1000 time to a height of 0.5 meter। बेटा कितना मास है 10 kg, कितने हाइट तक उठाना है उसको 0.5 meter, कितनी बार उठाना है 1000 times। assume that the potential energy lost each time she lowers the mass, लड़की है, शी लोवर्स द मास इज डिसिपेटेड, हाउ मच वर्क डज शी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले आपको बताना है कितना वर्क करना है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आपको बताना है फैट सप्लाइज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैट सप्लाइज। आप जब भी जिम करते हो तो आपके बॉडी का फैट बर्न होता है ना, वही लिखा फैट सप्लाइज 3.8 × 10^7 जूल ऑफ एनर्जी पर केजी which is converted to mechanical energy with the 20% efficiency rate. How much fat will the dieter use up? कितना fat burn होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले find कर लेंगे work done against the gravity. Work done against the gravity. Right? So बेटा work done क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, किसका फोर्स है ग्रेविटी का, क्या होता है एम जी, कितना डिस्प्लेस करोगे हाइट जितना, कितनी बार करोगे एन टाइम्स, कितना मास है 10, ग्रेविटी ले लो 9.8, हाइट है 0.5 एंड नंबर ऑफ टाइम इज 1000। व्हाट इज योर आंसर? 4, ये हो जाएगा आपका 4.9, ये हो जाएगा 49,000 जूल। This is the first answer, work done. Listen everyone, please. It is the first answer, work done against the gravity. Of second part बहुत tricky है, लगता है बहुत simple but tricky है. Second part में trick क्या है बेटा? Fat कितना energy supply कर रहा है? Fat आपको supply कर रहा है per kg 3.8 × 10^7 joule. इसमें से mechanical energy खाली कितना है उसका? 20%. Fat जो इतना energy supply कर रहा है, उसमें से mechanical energy कितना है खाली? 20% ही है. So we will write here, mechanical energy supply by fat
मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड बाय फैट. मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड बाय फैट कितना है बेटा? मैकेनिकल एनर्जी 20% ऑफ टोटल एनर्जी. एग्री? स्टेटमेंट में लिखा है बेटा 20% का मतलब क्या होता है? 20/100. टोटल कितना एनर्जी फैट सप्लाई कर रहा है? 3.8 × 10^7 जूल पर केजी. पर केजी है. और इधर आंसर ही हम डिवाइड बाय 5 कर रहे हैं, इसको कितना हो जाएगा? ये 0.76 × 10^7 जूल पर केजी. ओके, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? ओके चलो आगे, प्लीज अटेंशन. अब इतना एनर्जी फैट सप्लाई कर रहा है पर केजी, सो व्हाट वी कैन राइट हियर, ध्यान से देखना. सो वी राइट हियर 0.76 × 10^7 जूल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू 1 kg फैट, है ना? इतना एनर्जी पर केजी है, तो इतना एनर्जी जब होगा तो कितना फैट बर्न होगा? 1 kg. तुमने कितना एनर्जी लिया है? 49,000 जूल. सो अगर बेटा ये 49,000 जूल है तो आपका आंसर क्या बनेगा बेटा? 49,000 डिवाइड बाय 0.76 × 10^7 × 1. समझ आया क्वेश्चन आपको? कितना आया? 4 10^7 कर दिया मल्टीप्लाई, 10^7 डिवाइड करो 0.006 × 4 7 kg. तो बेटा ग्राम में कितना हो जाएगा? इनटू 1000 करो 6.447 ग्राम. कितना फैट बर्न हुआ है? 6.447 ग्राम. कितना डंबल मारा तुमने? 1000 डंबल मारा. कितने केजी का? 10 kg का. और कितना वेट कम हुआ? 6 ग्राम, 6.5 ग्राम. तो बेटा वापस एक बार क्वेश्चन देख लो. पहले एनर्जी क्या होगी? MgH into 1000. सेकंड पार्ट ट्रिकी है. सेकंड पार्ट में फैट का जो एनर्जी है उसमें मैकेनिकल कितना है? खाली 20%. तो हम क्या करेंगे, फैट का जो टोटल एनर्जी है उसका 20% फाइंड करेंगे पहले, जो इतना आ रहा है. अब यहां से क्या पता चल रहा है कि अगर इतना मैकेनिकल एनर्जी है तो कितना फैट बर्न होगा? 1 kg. तो आपने कितना मैकेनिकल एनर्जी रखा है? 49,000. तो कितना फैट बर्न होगा? इन दोनों को ऊपर नीचे करो इंटू 1 kg, तो आपका आंसर आएगा सिर्फ 6.447 ग्राम. इतना फैट बर्न होगा. अगला सवाल देखे. नेक्स्ट, अ फैमिली यूजेस 8 kW पावर. बेटा पावर दिया है कितना? 8 kW. इतना आपको चाहिए. अभी बहुत सोलर चल रहा है हर एक घरों पे. कितने लोगों के घरों पे सोलर है? किसी के घर पे है सोलर? तेरे घर पे है सोलर? लाइट में है सोलर? अभी बहुत चल रहा है सोलर. तो बेटा कितना पावर है आपका? कंज्यूम कितना है पावर आपका? 8 kW पावर आप रोज कंज्यूम कर रहे हो. डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द होरिजॉन्टल सरफेस एन एवरेज रेट ऑफ 200 W/m². तो सोलर एनर्जी कितना है बेटा? सोलर एनर्जी आपको दिया हुआ है 200 W/m². इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है 1 m² में कितना सोलर एनर्जी आपको मिल रहा है? 200 W. 1 m² का अगर आपने सोलर पैनल लगाया, कितना लगाया? 1 m² का. तो इसको कितना एनर्जी मिल रहा है? 200 J और 200 W. यू कैन राइट कितना एनर्जी मिल रहा है इसको? 200 W. ठीक है चलो. इफ 20% ऑफ दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड टू यूजफुल इलेक्ट्रिकल, इसमें से भी इलेक्ट्रिकल में कितना कन्वर्ट हो रहा है? खाली 20%. सो वी राइट हियर 20% ऑफ इट इज 20% ऑफ इट इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल. 20% ऑफ दिस इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल, राइट?
तो कितना हो गया बेटा इलेक्ट्रिकल, हैंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये खाली आपको ना कन्वर्ट कन्वर्ट करते रहना, कितना है 20%, इसका 20% जो सन में से आ रहा है, कितना आ रहा है सन में से, 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर। चलो 20% क्या हो जाएगा, 20/100 इंटू 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये कट करो कितना हो जाएगा बेटा 40 वॉट पर मीटर स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिल रहा है, राइट। नाउ आपको कितने एरिया का सोलर पैनल लगाना पड़ेगा अगर आपको इतना पावर चाहिए तो? तो हमें यह पता चला है, हमें ऐसा पता चला है कि एक मीटर स्क्वायर में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हो, 40 वॉट। सो वी राइट हियर, इन 1 मीटर स्क्वायर वी कैन प्रोड्यूस 40 वॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपको कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना है, 2000 वॉट। मैंने इसको उल्टा लिख दिया है, 8000, हाँ सॉरी। सो वी राइट हियर, यहां से क्या पता चल रहा है बेटा, यहां से आपको पता चल रहा है 40 वॉट कितने मीटर स्क्वायर में, एक में आपका रिक्वायरमेंट क्या है, 8000 वॉट। 8000 वॉट इज इक्वल टू 8000 डिवाइड बाई 40, 200 मीटर स्क्वायर। इतना बेटा आपको सोलर पैनल लगाना पड़ेगा, इतना एरिया आपको चाहिए, कितना एरिया चाहिए, 200 मीटर स्क्वायर। अभी 200 मीटर स्क्वायर कितना होता है, क्या नॉर्मल घर में इतना एरिया होता है, वो चेक करते हैं। तो 200 मीटर स्क्वायर आप ले सकते हो इस तरह से, एरिया कितना चाहिए आपको, 200 मीटर स्क्वायर। तो 200 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो 14 इंटू 14 कितना होता है, 196। यू कैन अप्रोक्सीमेटली राइट 14 मीटर इंटू 14 मीटर, मतलब आपका जो छत है ना वो 14 मीटर लंबाई और 14 मीटर उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, तो उसका एरिया कितना होगा, करीब 196 मीटर स्क्वायर, और तब जाके आपका रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगा। 14 मीटर बाय 14 मीटर का आपका एरिया होना चाहिए छत का, तब जाके आपको इतना एनर्जी मिलेगा जो आपको यूज करना है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो वापस एक बार क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, सन में से कितना एनर्जी आ रहा है, 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर, इसमें से इलेक्ट्रिकल कितना है खाली 20%, तो 200 वॉट का 20% कितना हो गया, 40 वॉट पर मीटर स्क्वायर, मतलब एक मीटर स्क्वायर में 40 वॉट आप बना सकते हो। तो 40 वॉट बना रहे हो एक मीटर स्क्वायर में, तो 8000 वॉट कितने में बनाओगे, 200 मीटर स्क्वायर में, हो गया आंसर। कैन यू गेट दिस एवरीवन? तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। नाउ वी हैव सम क्वेश्चन फ्रॉम एडिशनल एक्सरसाइज, ओके अभी हम नहीं करेंगे इसको, थैंक यू।